कोटा दक्षिण नगर निगम की दोनों गौशाला एक ही प्रभारी के भरोसे चल रही है, जिसके चलते किशोरपुरा गौशाला में कई बीमारू गाय दयनीय हालत में मिली। गौशाला की इस हालत से निगम के इंतजामों की पोल खुल गई है। गौशाला में हरे चारे की कमी मिली, बीमार गायों की देखभाल करने वाला भी वहां कोई नहीं था और ना ही दवाइयां थी। बीमार गोवंश को बचाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। गोवंश की देखरेख में लगाए कर्मचारी भी गायब मिले। निगम के अधिकारियों ने गायों को मरने के लिए गौशाला में लाकर बंद कर दिया है। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को गौशाला का निरीक्षण करने का समय नहीं मिल पा रहा। उनकी बेपरवाही का खामियाजा गोवंश भुगत रहा है। लगभग एक दर्जन गाय गंभीर बीमार हैं। गौशाला में साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मवेशियों की पानी पीने की टंकी में मच्छर और कीड़े पड़े देखे तो दंग रह गए। मजबूरी में मवेशियों को यही पानी पिलाना पड़ रहा है। यहाँ पर जो लावारी रोड पर जो एक्सीडेंट होती है, वो गाय यहाँ पर आती है दुर्घटनाग्रस्त, उनको वहाँ मोखावाड़ा हॉस्पिटल भेज के यहाँ पर कायन हाउस के सौर पर ला कर आते हैं। चारे पानी की अच्छी व्यवस्था है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है और भूसा प्रतिदिन डलता है। कितनी करीब गाय होंगी यहाँ पर? 70 से 75 के बीच में गाय हैं। बीमार गायें 5 या 6 बीमार गाय। इलाज के लिए एक कंपाउंडर है, एक डॉक्टर साहब है।